वो सिर्फ 19 साल का था जब दिल पर दुखों का पहाड़ और कंधे पर बड़ा कारोबार आन पड़ा। जिम्मेदारी भी और दुनिया से जंग भी, दोनों ने रातों रात उसकी जिंदगी बदल दी। पूरी फैमिली टूट चुकी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं फैमिली को संभालूं और बिजनेस संभालूं। उम्र में उसे बढ़ापन दिखाना था और जिस उम्र में लड़के अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसे पूरा करना था अपने पिता का अधूरा सपना। जहां म्यूजिक अवार्ड्स होते थे, वो हमें इनवाइट नहीं करते थे, हमें कहीं नॉमिनेशंस में नहीं डाला जाता था। वो भी एक मेरे को चैलेंज था। मैंने कहा नाउ आई विल टारगेट इट कि मेरे हमारे बिना ये अवार्ड नहीं। पिता की पूरी विरासत से बस यही एक चीज उसने अपने हिस्से रखी, जिद। ये कहानी है उस बेटे की, उसके परिवार की, जिसने अपने उस भगवान का सपना पूरा किया, जिसे दुनिया गुलशन कुमार के नाम से जानती है। मंजिल और उस मंजिल के रास्ते का फर्क तब मिट जाता है जब दिल में जिद और जहन में जुनून हो। ये कहानी भी एक जुनून की कहानी है, वो जुनून जो पहले पिता में था और फिर उसके बेटे ने उसे आगे बढ़ाया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक पूरे परिवार की है, एक ब्रांड की है। और ये कहानी है उस बेटे की जिसका सफर शुरू ही हुआ उसकी जिंदगी की सबसे मनहूस खबर से। 12 अगस्त 1997 कैसेट किंग गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वो खबर थी जिसने पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया। खबरों और पुलिस की तहकीकात के बीच एक कहानी आज तक किसी ने नहीं सुनी। कहानी उस बेटे की जिस पर दुखों का ही नहीं जिम्मेदारियों का भी पहाड़ टूट पड़ा। पूरी फैमिली डिप्रेस थी, सैड थी, क्योंकि वी वर वेरी वेरी कनेक्टेड टू एवरीबॉडी वाज वेरी कनेक्टेड टू माय फादर। दुख तो बहुत हुआ एक्चुअली, मैं उसको तो रिमाइंड भी नहीं करना चाहता और बोलना भी नहीं चाहता एक्चुअली, बिकॉज हम लोग जब उस दिन के बारे में सोचते हैं तो बेटर है, उससे बुरा दिन तो हो ही नहीं सकता लाइफ में हम लोगों के लिए। वो चाहते थे कि ये कंपनी हमेशा चलती रहे। एक झटके में ही इस परिवार का खुशहाल गुलशन उजड़ गया था। 19 साल का बेटा भूषण तो अभी कॉलेज में ही था। मां का सपना था कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर MBA करे, जबकि पापा गुलशन कुमार उसे एक्टर बनाना चाहते थे। सपने अभी ठीक से देखे भी नहीं थे कि छन से टूट गए। पिता के जनाजे का बोझ अभी हल्का भी नहीं हुआ था कि 19 साल के भूषण के कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा। वो जिम्मेदारियां जो अब तक सिर्फ उनके पापा संभाल रहे थे। माय फादर वाज वन मैन शो, तो सब चीजें पिन टू प्लेन कंपनी में वही संभालते थे, राइट फ्रॉम म्यूजिक मेकिंग टू all these income tax things and all the jo business mein, kyunki business is not only making music and selling it, there are so many back end thing jiske liye aapko experience hona bahut zaruri hai. And my father, kyunki unhone shuru se ye cheeze study kari thi, matlab shuru se isi mein wo sari cheeze unhone khud shuru ki thi, to unko har cheez ki knowledge thi ki sale tax kya hota hai, excise kya hota hai, to unko ye is cheez ka bahut wo kaam karte karte hi wo seekhe the और मुझे ये सब चीज़ें सीखनी थी, तो मुझे वो सब चीज़ें अब
करनी थी मेरे पापा के लिए करनी थी। मेरा एकदम उस स्टेज पे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ वो एक मेरे फादर के सेंटेंस पे मैंने वो चीज़ को टेकअप किया। पापा के सपनों के आगे अपने अरमानों की क्या बिसात। मगर भूषण को समझ नहीं आ रहा था कि दिल के दर्द को तसल्ली दे, परिवार को तसल्ली दे, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को उठाए। मगर फिर पापा की ही एक पुरानी बात याद आ गई और तमाम उलझनों के बीच रास्ता मिल गया, जिंदगी का मकसद मिल गया। He used to live with music actually. उनका हमेशा ये कहना होता था कि म्यूजिक मेरी जिंदगी है, मतलब जब तक म्यूजिक मेरी कंपनी चलती रहेगी तब तक आई एम ऑल्सो अलाइव। तो उनकी हमेशा ये सोच रहती थी। जैसे कभी कभी इंसान बात करने लग जाता जब पापा अलाइव थे उस टाइम पे, तो मम्मी से मेरे से बात करते थे कि कल को कुछ भी हो, मतलब एक दिन तो सबने जाना ही है, तो मेरे को ज़िंदा रखने के लिए तुम्हें अपना म्यूज़िक को ज़िंदा रखना पड़ेगा। मैं तो हम ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी मैं भी बोलते थे आप कैसी बातें कर रहे हो, तो मतलब आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनरल वो इतने कनेक्टेड थे म्यूज़िक से कि वो ये चीज़ हमेशा फैमिली को बोलते थे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में एक थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मुझे अगर मेरे पापा को मेरे साथ रखना है, हमारी कंपनी के साथ रखना है, फैमिली के साथ रखना है, तो मुझे म्यूज़िक कंपनी के लिए और म्यूज़िक बिजनेस के लिए और लोगों तक म्यूज़िक को पहुंचाने के लिए और उस पैशन को, मेरे फादर के पैशन को ज़िंदा रखना है। भूषण को याद था कि पापा गुलशन कुमार का पैशन सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि उस परिवार में था जिसे दुनिया टी सीरीज के नाम से जानती थी। और इस नाजुक घड़ी में टी सीरीज को संभालने के लिए बनते बिगड़ते रिश्तों की सारी बागडोर भी भूषण को ही संभालनी थी। उन्हें एहसास हो गया कि पापा के बनाए हर रिश्ते को संभालना और साथ लेकर चलना अब उनकी जिम्मेदारी है। मेरे फादर बहुत रिलेशनशिप में बहुत बिलीव करते थे। उनको रिलेशनशिप बिल्डअप करना मतलब एक उनको मतलब ही वॉज बिजनेस माइंडेड, मतलब ही वॉज एक्चुअली म्यूजिक माइंडेड। उनको बिजनेस उनको कभी भी कोई बिजनेस मैन नहीं कहता। उनको बोलते थे ये पैशनेट म्यूजिक मेकर। वो कभी अकाउंट्स में जाके ये नहीं देखते थे कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा या कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं, वो कभी ये चीज़ नहीं देखते थे। इनफैक्ट वो अपनी जेब में एक रुपया भी नहीं रखते थे। कभी भी उनको किसी को कुछ, क्योंकि वो दान पुण्य बहुत करते थे, कभी किसी को पैसे देने हो तो वो कभी ड्राइवर से ले लेंगे, कोई उनके साथ जा रहा होगा तो उनसे ले लेंगे, तो वो कभी इस चीज़ में मतलब पैसे से उनको कभी वो नहीं था। तो दैट काइंड ऑफ उनकी दिमाग में हमेशा रिलेशनशिप्स, पैशन फॉर म्यूज़िक, सबसे मिला के चलना, चाहे वो अपना एम्प्लॉई हो या उनका ड्राइवर हो, कोई भी हो, उनके लिए सब एक जैसे थे। रिश्तों में सच्चाई और दिल में सफाई, गुलशन कुमार का यही हुनर भूषण की रगों में भी दौड़ रहा था। हालांकि ये वक्त कठिन था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर दिल साफ हो तो अच्छे लोगों का साथ मिल ही जाता है। जब उन्होंने कमान संभाला कंपनी का और हमें सिर्फ मतलब जैसे मुझे एक ही बात और याद आती है कि विनोद यार देख, मतलब तू मेरे पापा के साथ में बिजनेस में मेरे से ज़्यादा टाइम रहा है, सो आई वॉन्ट यू टू बी हियर एंड जस्ट बी विथ मी। मतलब उसके बाद में कभी हमने सोचा नहीं कि हम यहाँ नौकरी करने आते हैं। इट्स ऑलवेज बीन दैट यू नो इट्स आवर ओन कंपनी एंड अच्छा ये शब्दों में मैं डाल भी नहीं पाऊँ ठीक से, द फीलिंग्स आर टू वे बियॉन्ड एक्सप्रेशन। सबको साथ लेकर अब भूषण अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार थे। टी सीरीज कंपनी इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां से उखाड़ने के लिए कई लोगों की निगाह उस पर टिकी थी। म्यूजिक को अमीरों के बेडरूम से आम जनता के घरों तक पहुंचाने वाला म्यूजिक का मसीहा इस दुनिया से रुखसत ले चुका था। भूषण के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी,
आत्मविश्वास बार बार डोल रहा था। चैलेंज था कि मैं ये अचीव किस तरीके से करूं, तो वो तरीका सोचना था। डर था कि अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, मतलब करना, मतलब एक्चुअली बहुत कंफ्यूज था एक्चुअली मैं उस टाइम। उसको मैं डर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि डर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे करना ही था। डर तो वो होता है कि यार ये मैं नहीं कर पाया तो, लेकिन वो मैंने एक्चुअली इफ़ आई जस्ट रिमेंबर दोज डेज कि मैंने डर को अपने मन से निकाल दिया था कि नहीं मुझे ये करना ही है, देर इज़ नो वे आउट, मुझे ये आगे लेके जाना ही है। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे जब मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया तो आई वॉज इन माई फादर्स शूज दैट वेरी डे, तो मुझे वहाँ पहुँचना ही था जहाँ मेरे फादर कंपनी को ले जाना चाहते थे। गुलशन कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए गुलशन कुमार जैसा फाइटर होना भी जरूरी था। कारोबारी दुनिया भूषण कुमार में वही देखना चाहती थी। कंपनी तो विरासत में मिल गई, मगर क्या भूषण कुमार इस विरासत के असली हकदार हैं? इस बात का फैसला तो उनके काम से ही होना था। उन्हें गुलशन कुमार की लेगेसी कमानी थी अपनी मेहनत और अपनी लगन से। भूषण है बहुत हार्ड वर्किंग, वो इतना हार्ड वर्किंग है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी उम्र में, जब उसके मतलब घूमने की उम्र थी या पार्टी करने की उम्र थी, उस समय से उसने पूरी की पूरी इतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है कि मैं भी देख के आज हैरान होता हूँ एक्चुअली, कि कोई इतना टाइम अपना मतलब कैसे दे सकता है एक्चुअली। क्योंकि जब उसने एंटर किया था उस समय तो उसकी एज बहुत कम थी, और उस समय तो सबको, आपको पता है उस एज में तो सबको घूमने, और उसको के पास सब कुछ था, ऐसा नहीं कि कुछ था नहीं, सब कुछ होते हुए, ऐसा नहीं कि उसको मेहनत करके कमाना था और पार्टी करनी थी, उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उसने वो सब कुछ छोड़ के और जो उसने दिखाया, मेरे को खुद हैरानी होती है। मेरी हर फैमिली के और हर मेरे क्लोज एम्प्लॉय को ये चीज़ें पता थी कि हमें एक हमें मेरे फादर का पैशन और एक जज्बा और एक जुनून जो था म्यूज़िक को, बिजनेस को, म्यूजिक बिजनेस को आगे ले जाने का पूरा करना है। आत्मविश्वास ही कामयाबी की मास्टर की है। आत्मविश्वास हो तो मेहनत, लगन और समर्पण अपने आप ही आ जाता है। और भूषण कुमार के तो खून में ही आत्मविश्वास था, क्योंकि उनके पिता गुलशन कुमार ने अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर फ्रूट जूस की दुकान से म्यूजिक किंग होने तक का सफर जो तय किया था। आत्मविश्वास बड़ा था तो चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। म्यूजिक कारोबार में नई नई देसी विदेशी कंपनियों का आना जारी था, और गुलशन कुमार के बाद टी सीरीज सबको सॉफ्ट टारगेट लग रही थी। ऐसे में भूषण को बड़े बैनर्स की फिल्मों को अपने साथ जोड़ना था, और वो भी अकेले अपने दम पर। माय चैलेंज वाज टू गेट बिग बिग बैनर्स टू टी सीरीज, अंडर टी सीरीज एज अ म्यूजिक कंपनी, व्हिच वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज टाइड अप विद other big companies from long. आप राकेश रोशन जी ले लीजिए, मैं राकेश रोशन जी के पास गया तो उन्होंने बोला नहीं यार मेरी मेरे बेटे की लॉन्च फिल्म है कहो ना प्यार है, तो मैं HMV के साथ ही करता हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ एक रिलेशनशिप भी है, और प्लस आप अभी भी कर रहे हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रमोशन चाहिए। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, बट वन डे आई डेफिनेटली वर्क विद, मैं किसी भी तरीके आपको आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैं इस तरीके से अपने आप को प्रूव करके दूंगा। राजकुमारों जैसी जिंदगी बिताने वाला 19 साल का ये लड़का बिना किसी संकोच के एक स्ट्रगलर की तरह प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। अब तक नाजो प्यार में पले भूषण के लिए ये दिल दुखाने वाले पल थे। फिल्में तो दूर की बात थी, टी सीरीज के साथ म्यूजिक एल्बम करने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे थे, और ये वो लोग थे जिन्हें गुलशन कुमार ने बनाया था। Nobody was believing me because सब लोगों को, लाइक सोनू निगम फॉर एग्जाम्पल, जब मैं उनके पास गया कि यार आप हमारी एल्बम डब कर दीजिए, हमें बहुत अच्छी बनाई है, तो ही लाइक द एल्बम बट ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी कि नहीं यार अपना, मैं अभी मैग्ना साउंड का आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अब उनके साथ करनी है तो मैं गा नहीं सकता हूँ, और एल्बम भी ठीक है, नॉन फिल्म टाइप है, तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, तो आप रहने दो। तो मैंने उनको
मेरे पापा ने उनको लॉन्च किया था, फर्स्ट गाना उन्होंने मेरे पापा ने उनको लॉन्च करके उनको गाने का मौका दिया था। मैंने उसका उनको वो दिया कि यार आप मेरे पापा के लिए एल्बम गा लो, और जहाँ तक मेरी सोच है ये एल्बम आपको बहुत बेनिफिट देगी और हमें भी बहुत बेनिफिट देगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए मैगनो साउंड से NOC लेके गाने गा देता हूँ, लेकिन मैं इसको शूट नहीं करूँगा अपने ऊपर, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंडेड हूँ उनके साथ, तो मैं नहीं करूँ। मैंने कहा ठीक है, तो इन्होंने मैगनो सुन दिया, मैगनो गा दो, अगर एल्बम है क्या क्या कर ले क्या होगा, एंड दैट इज़ हिज बेस्ट एल्बम टिल टुडे। तो जिस जो आज वो हर शो में जब वो गाना शुरू करते हैं तो ही स्टार्ट विद अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही क्या। छोटी सी शुरुआत से म्यूजिक का इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने तक गुलशन कुमार ने भी अच्छे बुरे सब दिन देखे थे। कवर वर्जन से लेकर भजन और लोक संगीत के जरिए उन्होंने टी सीरीज को एक जाना माना ब्रांड बना दिया था, लेकिन आज बॉलीवुड उन्हीं के बेटे पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। और तब भूषण ने वही आत्मविश्वास दिखाया जो लोगों ने पहले उनके पापा गुलशन कुमार की आंखों में देखा था। मेरे पापा ने काफ़ी फिल्में खरीद के रखी थी, अफलातून, दूल्हे राजा, हम दिल दे चुके सनम, सो ऑल दीज फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स थे, गुड म्यूजिक था, सब लोगों को ये था यार ये कैसे मार्केटिंग करेगा, मतलब इसको कुछ नॉलेज है नहीं तो हाउ ही मार्केट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल केम टू मी कि आप म्यूजिक छोड़ दो, हम दूसरी म्यूजिक कंपनीज को दे देते हैं, आप अपने पैसे वापस ले लो जो आपके फादर ने हमें दिए, आप हमारा सारा म्यूजिक छोड़ दो। तो दैट टाइम मीन्स आई वॉज देयर, माई चाचा किशन कुमार ही वॉज देयर विद मी, माई मदर वॉज देयर, सो एवरीबडी वॉज देयर। तो हमने सबको जाके कन्विंस किया कि हमें आप एक मौका दो, एंड वी वोंट लेट यू डाउन, एंड प्लस आई हैड वेरी टैलेंटेड टीम विद अस जो मेरे पापा के टाइम से काम करती आ रही है, विनोद भानुशाली इन मार्केटिंग एंड एवरीबडी। तो हम सब लोगों ने ये चैलेंज लिया कि हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, एंड आर फर्स्ट, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट रिलीज जो मैंने म्यूजिक रिलीज किया था, दैट वॉज अफलातून। एंड दैट टाइम अगर 1 मिलियन कैसेट्स बिक जाती थी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि 1 मिलियन कैसेट बिक गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया उसमें। तो मुझे अच्छी तरह याद है दैट वॉज माई फर्स्ट एल्बम जो हमने मार्केटिंग करी और वो 1 मिलियन कैसेट्स बिकी। उसके बाद हमने बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करी, फिर उससे लोगों में बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया, देन पीपल स्टार्टेड टर्निंग अराउंड टू अस, लाइक साजिद नाडेवाला, आई स्टिल रिमेंबर ही यूज टू डू हिज फिल्म विद वीनस एंड टिप्स एंड ऑल, हम हर दिल जो प्यार करेगा वॉज हिज फर्स्ट फिल्म विच ही गेव इट टू मी, एंड वी डिड अ फैबुलस जॉब इन दैट, हमने उसके बहुत कैसेट्स बेचे, बहुत उसका म्यूजिक सुपर हिट हुआ। तो वहाँ से हमने फिर काफ़ी फिल्में करी, काफ़ी एल्बम्स करी, फिर वन फाइन डे आई जॉइंट हैंड्स विद राकेश जी, दिस वे देवर मेनी बैनर्स विच केम टू मी, साजिद नाडेवाला ही यूज टू वर्क आउट ही केम टू मी, आमिर खान प्रोडक्शन, एंड लेटेस्ट इज द करण जौहर, मीन्स आई यूज टू मीट करण जौहर फादर यश जौहर कि मुझे आपके साथ काम करना, आई एम वेरी फैन ऑफ योर द वे यू मेक म्यूजिक, जिस टाइप का आप म्यूजिक बनाते हैं, इंडियन सोल का म्यूजिक बनाते हैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपके साथ काम करने के लिए। तो मीन्स दैट टाइम मीन्स वी वर नॉट एबल टू वर्क विद हिम, बट करण जौहर मीन्स आई बिल्ड अप माई रिलेशन विद हिम, दीज आर द लैंडमार्क अचीवमेंट विच आई अचीव्ड, विच आई थिंक माई फादर विल बी प्राउड ऑफ, बिकॉज माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद यश चोपड़ा, यश चोपड़ा जी एंड यश जौहर जी एंड ऑल दीज बिग बैनर्स, यू ऑलवेज वॉन्ट टू डू म्यूजिक फॉर विच अनदर म्यूजिक कंपनी यूज टू डू फ्रॉम बिगनिंग। अब कदम रख सूरज की गर्म किरणों पर और उतर सपनों की नई जमी पर, सुनहरा सूरज अब चंदेले चांद से हो रोशन, ये मुमकिन कर उतर सपनों की नई जमी पर, जिंदगी अब चखे तेरे अनोखे जायके, लगे मेहनत जैसे शक्कर, उतर सपनों की नई जमी पर। सपनों की इस नई जमी पर भूषण कुमार ने अपना पहला ही कदम बड़ी मजबूती से रखा। जिस म्यूजिक में गुलशन कुमार की रूह बसती थी, आज भूषण उसी म्यूजिक में जी रहे हैं। अपने पापा के पास रहने का, उनके सपनों को पूरा करने का यही तो एक तरीका था। ब्रेक के बाद बताएंगे वो कहानी जब उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला और कैसे किसी की मोहब्बत में खुद उनको बदला।
कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, यानी कामयाबी से बड़ा बदला नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि जब आप कामयाब होना चाहते हैं तब आपका फोकस अपने काम पर होता है, ना कि दूसरों की नाकामी। ये क्वालिटी भी भूषण कुमार ने अपने पापा गुलशन कुमार से ही सीखी थी। 1997 तक गुलशन कुमार बॉलीवुड के दरवाजे पर बड़ी दस्तक देने लगे थे। आशिकी और दिल है कि मानता नहीं जैसे कई सुपर डुपर हिट फिल्मों का संगीत टी सीरीज का ही था, मगर बॉलीवुड के कुछ दिग्गज उन्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे थे। मेरे फादर के टाइम पे के ऑल दीज बिग चैनल्स जहां म्यूजिक अवार्ड्स होते थे वो हमें इनवाइट नहीं करते थे। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है वो हमें एक्नॉलेज नहीं करती थी, हमें कहीं नॉमिनेशंस में नहीं डाला जाता था हमारी एल्बम्स को, ड्यूरिंग माई फादर्स टाइम। और वो भी एक मेरे को चैलेंज था। मैंने कहा नाउ आई विल टारगेट इट कि मेरे हमारे बिना ये अवार्ड नहीं करेंगे, एंड आई अचीव दैट। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग कि अब हमें हर अवार्ड में उसके बाद हर अवार्ड में बुलाया जाता है, हर अवार्ड में नॉमिनेशन होता है। और इनफैक्ट टू बी इट्स नॉट आई एम सेइंग आउट ऑफ कि जो कुछ घमंड से बोल रहा हूँ, लेकिन मीन्स आई मेड दैट काइंड ऑफ सिनेरियो विद माई ग्रेट म्यूजिक कि नाउ दीज अवार्ड फंक्शंस आर लिटरली नॉट पॉसिबल विदाउट आवर म्यूजिक। सच्चाई है कि आज टी सीरीज के गानों के बिना कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता। भूषण कुमार ने बॉलीवुड से अपने पापा के लिए वही इज्जत और सम्मान हासिल किया है जिसके वो असली हकदार थे। Now everything happened. Now IMI also wanted us कि आप हमें join कर लो, ये कर लो, means become whatever you want to, become a chairman, become whatever you want to in the Indian music industry. I said no. When you didn't give me respect to my father, I don't want to do it. I'll do. I'm not against you. I'll be with you in the industry issues, but I will drive my own things. I don't want PPL. I don't want IPRS. I will drive my own thing, and I will prove myself. And today. एज ए इंडस्ट्री ऑब्वियसली हमें एक दूसरे का सपोर्ट लीगल थिंग्स में हम मिलके चलते हैं IMI के साथ, बट नाउ दैट काइंड ऑफ डिफरेंस और दैट काइंड ऑफ जो हमारे में वो फ़र्क रखते थे अब वो इनफैक्ट एकदम नहीं है, बिकॉज नाउ दे नीड अस मोर देन वी नीड देम, सो इट्स अ म्यूचुअल थिंग। सो अब वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी प्रोड्यूसर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ऑल बिग बैनर्स लाइक शाहरुख खान, आमिर खान प्रोडक्शंस, साजिद नाडेवाला, दैट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट विच आई अचीव्ड। पॉप एल्बम जो आज अनफॉर्चुनेट है नहीं है बिकॉज एक्नॉलेज नहीं होती ऑल दीज न्यू प्लेटफॉर्म से, बट उसमें भी मैंने बहुत अचीवमेंट करी। सो ऑल टुगेदर द जर्नी वॉज वेरी चैलेंजिंग। ये सफर सचमुच ही चुनौतियों से भरा रहा। विनोद भानुशाली जो शुरुआत से ही गुलशन कुमार के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें आज वो बातें याद हैं जो कभी उनके दिल पर नश्तर की तरह चुभती थी। तरह तरह की बातें होती थी कि यानी अब ये अपना बेस बॉम्बे से छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे और वो सब वो बातें होती थी। मैं आपको झूठ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस दिखाया भूषण कुमार ने कि नहीं यार मैं ना अपने पापा का कंपनी को चलाऊँगा और उनके नाम से चलाऊँगा। अगर आप आज भी देखें कोई भी कैसेट उठाइए, सीडी उठाइए, हमारी इतनी फिल्में जो होम प्रोडक्शन भी आ रही है, इट्स ऑलवेज गुलशन कुमार प्रेजेंस। तो ये बात उतनी ही सच है कि गुलशन जी ही कंपनी चलाते हैं। मतलब हम सब में ये बिलीफ है आज भी कि उन्होंने जिस तरह से कंपनी चलाई थी या जो उनका विजन था, हम सिर्फ उसको आगे लेके जा रहे हैं। हम उनके स्पार्टन्स हैं और बस हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। आज भूषण कुमार के नाम की कस्में खाने वाले उनके साथी जानते हैं कि उनमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो कभी गुलशन कुमार में हुआ करते थे, और यही गुण टी सीरीज की अद्भुत कामयाबी की वजह है। मगर खुद भूषण कुमार इस कामयाबी का सहरा भी अपने पापा गुलशन कुमार के सिर बांधते हैं। इस परिवार के लिए गुलशन कुमार आज भी जिंदा है। नहीं, लेट गुलशन कुमार तो हम कभी ना हमने पहले दिन सोचा था ना आज भी सोचते हैं। हम इनफैक्ट पापा की तस्वीर पर हार भी नहीं चढ़ा रहे,
दैट इज़ आ थिंक ही इज स्टिल विद अस. जब मैंने टेक ओवर किया था दैट टाइम मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे इतना भी नहीं मालूम था. मतलब इनफैक्ट मैं रात को बैठ के रोता था मम्मी के साथ के मैं ये कैसे करूँ ये कैसे करूँ. शी यूज़ टू टेल मी के तू कुछ मत सोच, तुझे पापा सब बता देंगे, क्योंकि वो नहीं तू नहीं चला रहा, वो तेरे थ्रू ये चीज़ें चलाएंगे. सी ये चीज़ें नॉर्मली मैं हर अपने जिसको भी बताता हूँ ये सच्चाई है. अब कई लोग इस चीज़ को जस्ट जनरल फिलॉसफी सोचें या जनरल सोचें यार ये तो ऐसे ही हर बंदा इमोशनल होकर सोचता है, लेकिन ये मेरे साथ रियली हुआ है. क्योंकि एक चीज़ जो मैं एज अ इंसान मेरे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं थी, वो कैपेबिलिटी ओवरनाइट तो कहीं से ऐसे आ नहीं सकती. तो ये इसलिए वी स्ट्रांगली नॉट बिलीव, मतलब वी आर 100% श्योर अबाउट इट एज अ फैमिली कि यही चीज़ है कि मेरे पापा ही आज तक इसको ड्राइव कर रहे हैं. क्योंकि जो भी मुझे तकलीफें आती, मुझे बहुत तकलीफें आई उस टाइम, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती थी, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड सब चीज़ें मेरे पापा को पता होती थी. तो वो तकलीफें आई और वो भी ओवरकम हो गई. अभी मेरे को सोच में भी नहीं आता कि कौन सी चीज़ ऐसी हुई जो मैंने अपने बिजनेस में नेगेटिव हो गई मेरे लिए. ये एक स्टोरी लगेगी, लेकिन मतलब इनफैक्ट मेरे पापा काफ़ी टाइम आके मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ड्रीम्स में दे के गए. इट्स अ रियलिटी, क्योंकि अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दिस अचीव. और आज ऐसे ही नहीं है कि हर जन, मैं जिस भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम करता हूँ वो सिर्फ मेरे साथ काम करना चाहते हैं. वो कहीं भी नहीं जाते दूसरी जगह, कहीं किसी को आप ये नहीं करते कि हम दूसरी म्यूज़िक कंपनी ट्राई कर लें या आपकी मार्केटिंग में कोई कमी है. मतलब एवरीबडी से यू आर द बेस्ट इन मार्केटिंग, सो हम और कहीं जाना ही नहीं चाहते. सो दिस इज़ द अचीवमेंट विच मुझे बहुत अर्ली स्टेज पे मिल गई है. दैट ऑल गोज़ टू माय फादर. भूषण कुमार की हर बात में, हर सोच में, हर कामयाबी में आज गुलशन कुमार जिंदा है. अपने पापा से उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और जबरदस्त म्यूजिक सेंस सारे गुण हासिल किए हैं. मेरे फादर की जो ईयर सेंस थी, म्यूजिक सेंस, वो अगर मेरे में नहीं आती तो मैंने जो बिगनिंग स्टेज में जब मैंने म्यूजिक बिजनेस संभाला वो मैं नहीं संभाल पाता. मैंने मतलब आज मैं अपना रिमाइंड करके अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे ये ध्यान आता है यार मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने बहुत ऐसी चीज़ें की जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि मीन्स माई फादर विल बी प्राउड ऑफ दैट कि मैंने हर वो चीज़ करी जो वो नहीं भी कर रहे थे वो भी मैंने चीज़ें करी. जैसे मैंने काफ़ी एल्बम्स बनाए, मतलब सोनू निगम के साथ हम नॉन फिल्म म्यूजिक बनाते थे, कवर वर्जन्स करते थे और बेवफा सनम टाइप सॉन्ग्स करते थे पापा के टाइम पे. मैंने उनके साथ फर्स्ट पॉप एल्बम कट करी, फिर मैंने पहली फिल्म बनाई तुम बिन, उसका भी म्यूजिक, वो भी म्यूजिक को मैंने सब चीज़ें फिल्में भी मैंने म्यूजिक को दिमाग में रख के बनाया कि यार मैं फिल्म में पैसा नहीं कमाऊंगा लेकिन मैं म्यूजिक में पैसा कमाऊंगा. शायद वो म्यूजिक गा नहीं सकते, बना नहीं सकते सुल्तान में कि ये कौन सा राग है, लेकिन उनकी समझने की शक्ति जो अच्छा गाने को पिकअप करना, प्लस जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर के सामने सीटिंग करते हैं और उसकी वो धुन परखना कि हाँ ये धुन चलेगी, कि या किसी लिरिक्स राइटर के साथ बैठ के बोलना कि यार मेरे को इस तरीके का थॉट चाहिए या उसने आपने लिखा है तो वो पिक करना, दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ हिम. एंड शायद यू नो साथ में रह रहे कि हम लोग में एक वी हैव अ टीम दैट यू नो व्हेन जब ये सुनते हैं गाना ऑन अ सिटिंग या जब वो गाना बन रहा होता है वी हैव अ यूनैनिमस डिसीजन कि नहीं ये गाना सही है यार, एंड दैट्स नॉट गॉन रॉन्ग. अपनी इसी जबरदस्त म्यूजिक सेंस की बदौलत भूषण कुमार एक के बाद एक बड़े बैनर्स की फिल्में टी सीरीज के खाते में लाते रहे. काम की मसरूफियत इस कदर बढ़ा ली कि जिंदगी में जैसे किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं बची थी. मगर ऊपर वाला अब उन्हें एक और तोहफा देना चाहता था, प्यार का तोहफा. और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई दिव्या खोसला से. मुलाकात क्या हुई, बस पहली नजर का प्यार हो गया. आई थिंक एक बहुत ही फनी सा किस्सा हुआ था जो कि बहुत ही आई थिंक मुझे हंसी आ रही है उस बात पर उन्होंने जब हम मिले और हम दो तीन बार मिले तो वो काफ़ी मुझे एसएमएसेस करते थे, यू नो जैसे कोई भी एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है
तो उन्होंने एंड आई वॉज एक्टिंग एंड आई वॉज क्वाइट कंजर्वेटिव, तो मैं इतना ज़्यादा रिप्लाई ऑन ऑफ नहीं करती थी. और उन्होंने उनके जो उन्होंने अजय को भेजा जो उनके बहुत क्लोज हैं मुझसे, मेरे घर पर मुझसे मिलने और पूछने की वॉट आई थिंक अबाउट हिम एंड यू नो मैं उनके बारे में कैसा फील करती हूँ एंड ऑल दैट स्टफ. तो अजय मेरे घर पर आए और उन्होंने सब ये वो सब चीज़ें जैसे पूछता है कोई भी दोस्त अपने दोस्त के लिए, एंड ही लेफ्ट. और जैसे ही अजय बाहर चले गए वैसे ही मुझे SMS आता है भूषण जी का कि लेट मी फास्ट व्हाट डिड शी से, मतलब जल्दी बताओ क्या बोला उसने, उसका क्या रिप्लाई था, वो मान गए कि नहीं मानी. और बात ये थी कि उन्होंने अजय को मैसेज करना था पर वो इतनी इंपेशेंस में थे कि उन्होंने लड़की को ही मैसेज कर दिया एंड उसके बाद ही फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड ऑब्वियसली. फरवरी 2005 में दिव्या और भूषण की शादी माँ वैष्णो देवी के मंदिर में बड़ी ही सादगी से हुई. आज दिव्या उनकी जीवन संगिनी ही नहीं, उनकी मेहनत और काम की तपस्या की साझेदार भी हैं। आज तक इट्स आई थिंक इट्स बीन 7 years ऑफ आवर मैरिज एंड वी हैव नेवर हैड डिनर टुगेदर, वी हैव नेवर हैड लंच टुगेदर. बट आई थिंक आई डोंट माइंड इट एट ऑल बिकॉज काम का प्रेशर यू नो व्हेन आई सी दिस सो मच कि आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस कि नहीं नहीं यू कम होम अभी यू हैव डिनर, यू नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बिकॉज इवन लाइक माई सेल्फ आई एम एन एम्बिशियस पर्सन एंड आई अंडरस्टैंड एम्बिशन एंड आई अंडरस्टैंड कि इतने लोग एम्प्लॉयड है और हर डिपार्टमेंट देखना, हर चीज़ देखनी. एंड when you're at work you need that creative mental freedom and mental peace, nahi to aap nahi kar paoge. So there is a Sunday we go on holidays every 2 months, we go abroad and we spend time there or Sunday ko we spend time together. So I think weeks mein it's fine if you're working hard and you know on a weekend you can obviously enjoy. Aaj Bhushan Kumar ka parivar sirf khoon ke rishte se hi nahi, un tamam logo se bana hai jo T series ke liye kaam karte hain. और इस बड़े परिवार को चलाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए भूषण अपना सारा वक्त, अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा रहे हैं. माय ब्रदर इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. आई मीन वो दिन में भी काम करेंगे, रात को भी लेट आते हैं एंड ही इज ऑलवेज इमर्स्ड इन हिज वर्क. दैट्स व्हाट आई हैव सीन हिम लाइक एवर सिंस यू नो आई हैव बीन अराउंड हिम एंड he's completely immersed in his work and that's just a quality that my father had. Bhai is very dedicated, he's very focused, really hard working and he's really blessed with this amazing sense and eye for music and talent. Aaj jo bhi Bhushan Kumar ki baat karta hai jaane anjaane mein use Gulshan Kumar ki yaad aa hi jati hai. ऐसी कोई चीज नहीं है जो भूषण और गुलशन कुमार में अलग अलग हो, फिर चाहे वो रोज मंदिर जाने की बात हो या फिर मुश्किलों से लड़कर जीतने की. बचपन से ही ये क्वालिटीज उनके भीतर बसी हैं। उसकी एक चीज जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब वो 7 साल का था तो उसके पापा ने उसको बोला कि तुम सुबह शाम मंदिर जाया करो और शाम को संध्या के टाइम दिया जलाया करो. तो वो चीज उसने मतलब अपने साथ मतलब बांध ली कि ये मुझे करना ही है. तो वो शिव जी के मंदिर गया और शिवलिंग के ऊपर घंटी थी उसको बजाने लगा तो वो वहाँ गिर गया तो उसका होठ अंदर से कट गया और मतलब काफ़ी उसको चोट आई. पर वो नेक्स्ट डे फिर गया मंदिर तो वो चीज़ मुझे बहुत वो लगी, उसके पापा को भी बहुत लगी. उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि बबली देखना ये मतलब बहुत कामयाब होगा और बहुत ज़्यादा मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग बनेगा. तो मैंने कहा ये आपने कैसे जज किया, तो वो कहते नहीं जो बच्चा गिरने के बाद डरा नहीं और दोबारा गया वहाँ पर तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही मतलब काम करने में या अपनी ड्यूटी निभाने में बड़ा परफेक्ट है. तो ये चीज़ उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो डरा नहीं और गिरने के बाद दोबारा गया मंदिर और हमेशा जाता रहा, आज तक वो जाता है. पापा गुलशन कुमार की ये बातें आज सच हो चुकी हैं. भूषण कुमार ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं निभाई हैं, बल्कि गुलशन कुमार के हर सपने को अपनी मेहनत और लगन से पूरा भी किया है. और ये तो अभी शुरुआत है. भूषण को अभी अपने पापा का एक और सपना पूरा करना है, टी सीरीज को देश की नंबर 1 फिल्म प्रोडक्शन कंपनी
बनाने का सपना। मेरा एक अभी सपना है कि मैं फिल्म डिवीजन में, फिल्म प्रोडक्शन में हम लोग एक अच्छा नाम बनाए। इस गुलशन में अब नई पीढ़ी के फूल लग चुके हैं और भूषण कुमार आज अपने इसी गुलशन के बागवान हैं, ठीक अपने पापा के। वो इस गुलशन की खुशबू से सारी कायनात को सराबोर कर देना चाहते हैं। ब्रेक के बाद देखिए कैसे अमर कर दिया है एक बेटे ने अपने पापा के गुलशन। I never called myself as a owner of TC. He was the owner, he was the maker of T-Series. सब कुछ उनका है तो obviously it will be Bhushan Kumar presented. कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं, वो अमर होती। भूषण कुमार ने भी अपने पापा की कहानी को अमर कर दिया। उनकी पीढ़ियां आती जाती रहेंगी, मगर भूषण कुमार सदा बने रहे। He was the owner, he was the maker of T-Series. मैं financially businessman type भी सोचता हूँ और कुछ संभाल के चलता हूँ, because I never call myself as a owner of T-Series, because he was the owner, he is the owner and he will be the owner of the company. He is the founder, everything for T-Series. That is the reason also, कि means सब कुछ उनका है तो obviously it will be Gulshan Kumar present only. It can never ever be Bhushan Kumar or my son Ruhan Kumar present in lifetime or कभी भी, जब तक मतलब हम हैं, मेरे बच्चे हैं, तब तक ये चीज कभी नहीं होगी। बादलों में जब नमी आती है, सूरज से मिलकर जमी आती है, तुम गए ही कहां हमसे दूर, रोज घर में तुम्हारी रोशनी आती है। मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में, मेरे फादर कहते हैं तेरा बेटा बन के पैदा हूँ और तू मुझे फिर वो सब चीज़ें दियो जब मैं, जो मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी, मैं अपनी यंग एज में गाड़ियाँ नहीं चला पाया, मैं अपनी यंग एज में कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सब चीज़ें तुम लोगों के लिए करने में लगा हुआ था। आज मैंने सब चीज़ें तुम्हारे लिए कर लिया, तो तुम्हें भी वो चीज़ मेरे लिए करनी है। और आज मैं देखता हूँ मेरा बेटा पैदा हुआ है, उसकी सारी आदतें मेरे पापा की तरह। सब क्वालिटी नजर आते हैं, हम लोग तो भूषण जी नजर आते हैं हम लोगों को, तो जो प्यार उन्होंने दिया है वही प्यार ये दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑफिस में तुम निकल जाए और बोले कि यार तुम संभाल लेना, ही इज ऑलवेज देयर विद अस। उनकी लाइफ में दैट ऑल्सो मेड हिम मैच्योर वेरी फास्ट, और वो एकदम से बच्चे से, यू नो, ही बिकेम अ ग्रोन अप एडल्ट बन गए।